साइंस हॉल हमने देख लिया, और फिर उसके बाद में लंच टाइम में हमने बहुत बेहतरीन, क्या बोले, ऐसा बेहतरीन लंच किया कि मतलब हालत ही खराब हो गई। बोटिंग कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ पर पूरा एक डायनासोर की दुनिया थी जो सबसे अच्छी थी वहाँ पे, मतलब काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहले एंट्री पे तो एक पेड़ था जो मतलब डायनासोर की दुनिया के बारे में बहुत हा 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 करके वो पूरा एक्सप्लेन करता है सारी चीज़ें, बोल के तो हा 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 ऐसे करके आगे क्या बोलते हैं वो मुझे मालूम नहीं। आप तो, आ गए हो डायनासोर की दुनिया में, आप आ गए हो डायनासोर की दुनिया में, ये तो उसके बाद में फिर हम लोग डायनो अंदर गए वहाँ पे हम लोग डायनासोर के अंदर डायनासोर पे अंदर गए, डायनासोर पे चढ़ के दुनिया में हमने एंट्री ली वहाँ पे। यकीन मानिए बहुत अच्छा, हर टाइप के जो स्पीशीज थे और जो डायनासोर की जितनी प्रजातियां थी ना वो हम लोग को देखने के लिए मिली वहाँ पे। बहुत स्टैचू टाइप उन लोगों ने बनाया हुआ है, अच्छा, काफी अच्छा। काफी ह्यूज है, काफी ह्यूज बड़े बड़े डायनासोर वगैरह बनाए हुए हैं अलग अलग टाइप के, जी हाँ। और थोड़ी दूर जाने के बाद में पूरा एकदम वो डायनासोर ना हरकत भी करते हैं, वो पूरा एकदम एक्टिविटीज भी करते हैं, तो जिसे देख कर बहुत सारे बच्चे तो डर भी गए थे और एकदम खतरनाक दिखते हैं वो डायनासोर, जैसे वो एक्चुअल में हुआ करते थे ना उस तरीके से वहाँ पर थे। पूरी एक दुनिया बनाई थी उन्होंने, बहुत अच्छी चीज़ है। पूरा एक्सप्लेन किया गया था उनके बारे में कि भाई ये कौन से प्रजाति के हैं, किस टाइम पे ये पैदा हुए थे, कितनी इनकी लाइफ होती थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की थी वहाँ पर। बहुत अच्छे से माहौल क्रिएट किया गया था। आजकल तो वैसे भी डायनासोर जो गायब होते जा रहे हैं ना, हूँ तो मिलते ही नहीं है, डायनासोर दी जातियाँ ही खत्म हो गई आजकल। इसके बाद हम लोग पहुंचे लाइफ थ्रू द एजेस में। इस सेक्शन में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि हमारी जो मानव प्रजाति है वो किस तरह से बनी, किस तरह से प्रोसेस हुआ। सबसे पहले जो छोटे छोटे स्पीशीज थे वो आए, देन उसके बाद में वो कन्वर्ट हुए, वहाँ से फिर बड़ी मछलियाँ बनी, वेल मछली बनी, देन उसके बाद में वो जो पूरा एक लाइफ का जो एक सर्कल होता है ना, किस तरीके से मतलब मनुष्य की प्रजाति बनी, वो पूरा उन लोगों ने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई गई है, हाँ, कि किस तरीके से डायनासोर्स आए थे, देन उसके पहले क्या होता था, उसके बाद में क्या होता था, आदि मानव जब बने तब उनका कैसे कल्चर था, किस तरीके से वो रहते थे, किस तरह अपना गुजारा करते, रोटी किस तरह बनाते, अग किदा बालते, किस तरह रहते, रहन सहन किदा दा, है ना, वो सारा कुछ उसे दस्या गया। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, मतलब बैकग्राउंड में एक मतलब स्टोरी भी चलते रहती है जो मतलब बोल के आपको सारा कुछ समझाती है वहाँ पे। तो ये पूरा जो लाइफ का एक सर्कल था ना वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है अगर वहाँ पर आप, अगर आप 10 मिनट भी अगर वहाँ खड़े रहते हो और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो बहुत अच्छी चीज़ इन लोगों ने बनाई है। उसके बाद में हम लोग जहाँ पे गए ना वो सारा जो स्पेस था ना वो नॉलेज से भरा हुआ था, साइंस से रिलेटेड। नॉलेज मतलब किस टाइप का नॉलेज, साइंस से रिलेटेड, मैथ्स जो होता है ना, मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सम्स होते हैं उससे रिलेटेड, फॉर्मूला कैसे बना, किस तरीके से उसको ट्रायंगल कैसे बनता है, मतलब उसका पीछे रीजन क्या है, जी कैसे हाँ, वो शुरू हुआ था, काफी सारी चीजें मतलब मैथ्स से रिलेटेड भी काफी सारी चीजें ऐसी थी जो मतलब जिसको मैथ्स से प्यार है ना सब्जेक्ट से तो वो वहाँ पर बहुत इंजॉयमेंट करेगा। इसके अलावा ना काफ़ी सारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं हमारे देश के या वर्ल्ड के जितने भी स्पोर्ट्स हैं, टेनिस है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे जानकारी दी गई थी कि किस तरीके से वो खेल खेला जाता है, कितने प्लेयर्स की वहाँ पे ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, कितना बड़ा मैदान होता है, ग्राउंड में कितने स्पेस होते हैं, एक एक जानकारी आपको दी गई थी। ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉलेज वाली थी हमारे लिए, और बच्चों ने और सुखबीर जी ने, मैडम जी ने वहाँ भी बहुत सारा इन्जॉयमेंट किया, पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश की एक बार। तो
जहाँ पर वो हमेशा की तरह कामयाब नहीं रही, तो क्यों? हमेशा नहीं कामयाब रही, नीचे से धम से आके गिर गई। एक बार ऐसी एक्टिविटी हुई थी हमारी, हम जब लोनावाला घूमने गए थे तो वहाँ पर भी ये मतलब एक नीचे आ रहे थे पहाड़ से, तो वहाँ से ऐसे फिसले कि बाप रे, वो तो मुझे अभी तक याद है। बहुत ज्यादा मतलब वो सीन ऐसा था कि बाप रे, वो तो मेरे को अभी भी मतलब बहुत रोना नहीं आता है, बहुत हंसी आती है उसमें। तो ये सेम एक्टिविटी यहाँ पर भी नहीं, वो तो चोट भी लगी मेरे बहुत ज्यादा हो तो, पर इन्हें फिर भी हंसा ही आ रहा है। तो वो जब कोई माहौल ऐसा बन जाता है ना कि आपको हाँ मजबूरी में भी हंसना पड़ता है, तो वो माहौल ऐसा बन गया था, तो उस तरीके से यहाँ पर भी हो गया था। बाय द वे मतलब बहुत नॉलेज वाली चीज़ थी, मैथ से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हर एक तरह की जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। मेडिकल रिलेटेड मतलब आपका हार्ट कैसे काम करता है, शरीर की नसें कैसे काम करते हैं, ECG, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन कैसे होता है, ये सारी चीजें ना वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की है उन्होंने, मतलब पूरी दिखाई है वहाँ पे, पूरा एक प्रैक्टिकल आपके सामने लाके पेश किया कि उसको कैसे करते हैं, ECG कैसे निकालते, सिटी स्कैन कैसे निकालते, वो सारी चीजें जो है ना वो सब सामने दिखाई है प्रैक्टिकली। जी हाँ, बॉडी के अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में नॉलेज दिए वहाँ पे। एक छोटा सा प्लेग्राउंड था वहाँ पे, झूले लगे हुए थे और स्कूल के कुछ बच्चे वहाँ पर आए हुए थे, तो बहुत एंजॉय कर रहे थे, वो भी काफी एंजॉय कर रहे थे, तो उसके साथ बिस्मित और दिलकीरत भी लग गए और दोनों बच्चों ने काफ़ी इन्जॉयमेंट किया। और हमारे साथ में जो एक तीसरा बच्चा था वो भी झूले पे बैठ गया, देन उसके बाद में उसको भी मुझे झूला झुलाना पड़ा, तो इन्होंने भी काफ़ी इन्जॉयमेंट किया, काफ़ी पीछे से ऐसे पुश कर रहे थे, मुझे गिराने वाले थे अभी। एक चीज साइंस सिटी की बहुत अच्छी लगी मुझे कि चारों तरफ ग्रीनरी है, चारों तरफ ग्रीनरी, बहुत बड़ा एरिया है और हर जगह पेड़, हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, और एटमॉस्फेयर भी उस टाइम बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा था। मतलब बारिश हो नहीं, तुम दसिया सी था कि मैं बारिश हो नहीं है पहले ही, ते इना ही इना शुक्र ही कि जो अहीं एंट्री की थी ना तो बारिश रुक गई, जो अहीं अपनी पूरी एक्टिविटी कर ली उस तो बाद बारिश फिर वापसी के टाइम ते फिर शुरू होगी, फिर दोबारा अहीं एक्टिविटी एंजॉय ना की थी सारी। एक एक चीज अगर आप एक्सप्लोर करने लग जाओ ना तो आपको सुबह से शाम आराम से हो जाएगी। अच्छा, जो एक्टिविटी हम लोगों ने देखी उसके अलावा वहाँ पे ना नेचर को लेके इन लोगों ने काफ़ी अच्छी चीज़ें भी बनाई थी। उस जगह पे हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि बहुत शाम हो चुकी थी और पार्क बंद होने का भी टाइम हो गया था, तो इन लोगों ने ना कई सारे हर्बल गार्डन्स भी बनाए हैं, फिर अलग अलग टाइप के फ्लावर्स के भी गार्डन हैं, फिर आयुर्वेदिक गार्डन है, और काफ़ी सारी चीज़ें ना अलग अलग मतलब गार्डन्स वगैरह बना के रखे हुए हैं, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें बना के रखी हुई है। तो हम लोगों ने खाली बाहर से वो देखा, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट भी पहुंचे थे बारिश की वजह से, बाकी मेन चीज़ें तो हम लोगों ने देख ली, लेकिन ये चीज़ हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो जब आप बिल्कुल एंड पे होते हो ना साइंस सिटी के, तब ये सारे गार्डन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप इनको भी मतलब अच्छे से एक्सप्लोर कीजिएगा, देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें। फाइनली शाम के 5 बज गए और हम लोग बाहर जाने की तैयारी में, एक दो शो मिस हो गए जो हम लोगों ने नहीं देखे, लेज़र शो वगैरह और एक दो चीज़ें और थी, बट अब देखने का मन भी नहीं है, तो अभी जाना है, थक चुके हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस ये रहा कि बहुत अच्छी जगह है साइंस सिटी, ठीक है, आप वहाँ पे अपने बच्चों को इवन खुद को भी बहुत सारा नॉलेज दे सकते हो, आपको ज़रूर 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 देखना चाहिए वो चीज़। हाँ, लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो हम लोग आपको बताना चाहेंगे, अगर आप मतलब वहाँ पर जाते हो विद फैमिली या अगर अकेले भी जाते हो, तो सबसे पहली चीज़ तो है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हो सके तो आप फूड अपना लेके जाइए, या स्नैक्स वगैरह कुछ जो है वो आप अपना रख लीजिए, पानी की बॉटल बच्चों के लिए और ख़ुद के लिए भी पानी की बॉटल्स अच्छी खासी एक बैग रखिएगा वहाँ पर अपने लिए, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है, आपको बार बार ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा,
अपने साथ कैश जरूर रखिए, जो हम लोगों को प्रॉब्लम आई है वो आपको ना आए। जी हाँ, कैश अपने साथ में जरूर रखिएगा। इन लोग को ऑनलाइन शुरू करना चाहिए, मेरा सजेशन है कि ऑनलाइन शुरू करें, QR कोड रखें वहाँ पे। लेकिन वो कैश का फंडा जो बहुत गलत है, मैं मतलब पंजाब गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये अगर आप डिजिटल को इतना प्रमोट कर रहे हैं तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें जगह जगह पर शुरू करवाएँ। और तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर आप जहाँ जहाँ घूमते हो ना, तो कई सारे शोज़ ऐसे हैं जिनकी टाइमिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें ना, वो आपको सिर्फ उसी के बाहर, जहाँ पर वो शो है उसी के बाहर बोर्ड में लगी हुई दिखाई देगी। तो आप ये जजमेंट नहीं कर पाओगे कि अगर ये शो इतने बजे है तो दूसरे शो में मैं इतने बजे तक पहुंच जाऊं और देन वहां से निकलकर वापस मैं ये शो को देखने के लिए यहां पर पहुंच जाऊं, तो वो टाइमिंग आपको बहुत गड़बड़ हो जाएगी सारी चीज़ों की। तो वो जो टाइमिंग है ना, वो आप एक बार सबसे पहले जब एंट्री होगी तो आप देख लीजिए कि कौन कौन से शो की टाइमिंग कितने बजे है, ताकि आप राइट टाइम पे उस जगह पे पहुंच सके। या फोटो खींच लो दी ना। जी हाँ, या तो फोटो खींच के आप अपने पास में रख लीजिए तो माओ अपना। जी हाँ, और ये तो मैंने आपको तीसरी चीज़ बताई। चौथी चीज़ ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, साइंस हॉल में जो वॉशरूम है वो हमको ठीक ठाक लगा, मतलब इतना साफ सुथरा नहीं था फिर भी ओके था, वो यूज़ कर सकते हो आप लोग। जो एग्जिट पे वॉशरूम था वो निहायती ही गंदा, बहुत गंदा वॉशरूम था। तो कहीं पर ठीक ठाक था, कहीं पर बिल्कुल ही गंदा टॉयलेट था, वहाँ पे वॉशरूम बहुत ही ज़्यादा गंदा था। तो ये चीज़ें मैं इनको बोलना चाहूँगा, साइंस सिटी वालों को, कि इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ पे सर्विस अच्छे से नहीं हो रही है। बिल्कुल रेटिंग मैं तो 1 भी नहीं दे सकता इस मामले में। सिर्फ वो जो चीज़ें हैं नॉलेजेबल उनके लिए हम लोग उनको फिर भी रेटिंग दे रहे हैं। जी हाँ, तो बाकी सर्विस के हिसाब से वहाँ पे हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। बाकी ओवरऑल नॉलेज के लिए बहुत अच्छी जगह है, आप घूमने जाइए और सेल्फ डिपेंडेंट रहिए। जो मैंने 3-4 चीज़ें आप लोग को मैंने एक्सप्लेन की कि इन चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा, वो प्लीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। ओवरऑल बहुत अच्छी जर्नी रही हमारी। देन उसके बाद में वापस जाते जाते हम लोग जो सुखबीर जी हैं उनके मामी जी के घर पे, मामा मामी जी के घर पे गए, जो हमारे रास्ते पे पड़ता था, उनके घर पे गए, उनसे मिले, वो भी बहुत खुश हुए, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारा स्वागत किया और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मतलब मामा मामी तो ऐसे है ना कि मतलब, और उनके बेटे हैं, मतलब सब लोगों ने बहुत खुश हो गए। वहाँ पर भी मतलब हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉयमेंट किया, शाम का नाश्ता हम लोगों ने वहाँ पे किया, चाय पी, बहुत अच्छी चाय। देन उसके बाद में काफ़ी जोर लगाया उन लोगों ने कि वहाँ पे रुकिए, लेकिन नेक्स्ट डे हमारी रिकॉर्डिंग थी तो मतलब हमको आना भी ज़रूरी था। और देन उसके बाद हम लोगों ने एक छोटी सी मुलाकात करके देन हम लोग वापस अपने घर की ओर निकले। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा। और ये थी हमारी आज की साइंस सिटी की पूरी विजिट, जो हम लोगों ने आपके सामने एक्सप्लेन की। उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे और इसी तरीके से हमको आगे और भी प्रोत्साहन देंगे कि हम लोग आगे और व्लॉग बनाते रहें। बहुत ही जल्दी नए व्लॉग के साथ फिर आपके साथ में हाजिर होंगे, तब तक के लिए